हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हेमास किचन पर। आज फ्रेंड्स, मैं आपके साथ राइट वेज मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने रेसिपी बनाई है, यानी ये ड्राइड मंचूरियन जो मैंने तैयार किए हैं, ये घर में यानी मेरे फ्रिज में जो लेफ्ट ओवर सामान पड़ा हुआ था ना, वेजिटेबल्स वगैरह, उससे तैयार किए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमें ये रेसिपी बनाने के लिए इतना सारा सामान चाहिए चाहिए, फ्रेंड जो मिनिमम आपके घर में सामान मौजूद है, ये मैं उसी से आपको रेसिपी आज तैयार करके दिखाऊंगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ के बीट रूट को और यहाँ पर 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा कैबेज और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास और चीज़ें जैसे कैप्सिकम, कैरेट वगैरह है, गाजर है आपके पास, तो आप इसमें वो चॉप करके डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालूंगी और 2 टेबलस्पून ही मैदा डालूंगी। साथ में मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी और काली मिर्च और लाल मिर्च वगैरह डालूंगी। गरम मसाला आप जो भी मसाले खाते हैं डाल सकते हैं। यहाँ पर आप लहसुन, अदरक कुछ बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए, जो भी आप खाते हैं इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जो भी मसाले बता रही हूँ वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिए, बट यहाँ पर मसालों को थोड़ा सा कम ही रखिए और ख़ास तौर पर नमक, क्योंकि हम आगे जो इसमें सॉस वगैरह यूज़ करेंगे उनमें ऑलरेडी नमक होता है, इस हिसाब से आप ध्यान रख के डालिए। अब फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी और इसका एक डो जैसा तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पे अगर आपका सब्जियों का बैटर लिक्विड ही हो रहा है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा और कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा नहीं डालना, क्योंकि हमें वेजिटेबल्स खानी है। और अच्छे से इसको मिक्स करके हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे मीडियम साइज़ की। फ्रेंड्स, अब मैंने एक पैन में तेल गरम किया है। यहाँ पर ये रिफाइंड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, आपको जो तेल खाते हैं आप वो यूज़ कर लीजिए, मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना फ्रेंड्स। और तेल का टेम्परेचर फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तेल गरम करके आप गैस को लो फ्लेम पर कर दीजिए। इसमें पहले मैं एक जो बॉल है ना, हमने वेजिटेबल्स वाली बॉल बना के देखी है, उसको पहले फ्राई करके देखेंगे तो वो तेल के अंदर फैल तो नहीं रही, यानी बाइंड हो चुकी है वो। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बॉल बनाई थी ना, वो एकदम से सही से फ्राई हो रही है। तो अब मैं और दूसरी बॉल्स बनाकर इसमें धीरे धीरे इनको मैं शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको अच्छे से डीप फ्राई भी कर सकते हैं ज़्यादा तेल डालकर, मैंने तेल कम ही डाला है फ्रेंड्स। इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, गैस हमारी सिंपल ही रहेगी, यानी कि टेम्परेचर जो है हमारा तेल का कम रहेगा, ताकि ये बॉल जो है अंदर तक सिक जाएँ। फ्रेंड्स, अगर तेल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये बॉल्स जो हैं ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगी, बट अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। फ्रेंड्स, तेल को गर्म होने के बाद जो है हम अपनी गैस को लो टू मीडियम पर रखेंगे, यानी तेल का जो टेम्परेचर है हम ज़्यादा हाई नहीं होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी जो है सारी बॉल्स जो हैं फ्राई हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और फ्रेंड्स, इनको टिश्यू पेपर वगैरह पर निकालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जब फ्राई होके निकलेंगी तो इनमें ज़्यादा ऑयल नहीं निकलेगा। अब फ्रेंड्स, जो हमारा तेल बचा है ना पूरी बॉल्स को फ्राई करने के बाद, आप उसमें से चाहें तो थोड़ा सा तेल निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 बड़ा चम्मच, जो बड़ा वाला चम्मच होता है, वो तेल रखा है। और यहाँ पर इसमें फ्रेंड्स लहसुन ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पर कम से कम 8 से 10 जो कलियाँ हैं ना, वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर डाल ली हैं। और हमारी गैस एकदम सिंपल रहेगी फ्रेंड्स, इसमें हमें पकाना है हल्का सा लहसुन, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होने देना है। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबा लंबा काट के डाला है। साथ में फ्रेंड्स, मैंने जो सब्जियाँ और चॉप की हैं, जैसे कि गाजर थी मेरे पास, एक गाजर को मैंने लंबा लंबा काट लिया है पतला पतला, और मैंने मेरे पास जो कॉर्न थे थोड़े से बचे हुए, मैंने वो कॉर्न भी डाले हैं इसमें। और उनको हल्का हल्का नमक डालकर हम सौते कर लेंगे, यानी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, लेकिन इनकी क्रंचीनेस को ख़त्म नहीं करना है। इस टाइम पे फ्रेंड्स गैस जो है मीडियम पे कर लेंगे। सब्जियां हल्की से पक जाएंगी फ्रेंड्स, तो आपको पता चल जाएगा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा ऊपर से। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जियां हमारी थोड़ी पक गई हैं। अब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस, डार्क वाला सोया सॉस डाल रही हूँ। उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने इसमें टमाटो चिली सॉस डाला है। 1 चम्मच वाइट विनेगर भी डालेंगे फ्रेंड्स इसमें। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स जितना आप स्पाइसेस को खाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से डाल सकते हैं।
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, बट नमक फिर भी मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा ध्यान से रखिए, क्योंकि ये जो सॉस वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं इन सब में ऑलरेडी नमक होता है। इसको फ्रेंड्स हम थोड़ा फ्राई करेंगे। गैस हमारी लो टू मीडियम पे होगी फ्रेंड्स, हाई गैस नहीं रखनी है। अब फ्रेंड्स मैंने 2 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लावर लेके उसका अच्छे से घोल तैयार कर लिया है, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी एक साथ, और उसको थोड़ा सा मैं इसमें पकाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं 5 चम्मच पानी डाला है। फ्रेंड्स मीडियम गैस पर इन सारी चीज़ों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये कुकिंग फटाफट से होती जाएगी। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ, अगर आप लिक्विड ही चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ कॉर्नफ्लावर का घोल था फ्रेंड, मैंने वो भी डाल दिया इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो वेजिटेबल्स थी हमारी उनके सबके अंदर जो है ना सॉस, टमाटो चिली सॉस और सोया सॉस वगैरह का जो है टेस्ट अच्छे से चला गया है। इसमें फ्रेंड मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा था स्टार्च, तो मैंने इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को और लिक्विड करके डाला है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाला तो मुझे थोड़ा सा सोया सॉस कम लगा है, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब सोया सॉस, डार्क सोया सॉस और डाला है, यानी इसमें लगभग मैंने 2.5 से 3 चम्मच के करीब डार्क सोया सॉस डाल दिया है, और कॉर्न स्टार्च मैंने 3 चम्मच के आसपास स्लरी बना के डाला है। फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाला है, और गैस हमारी थोड़ी तेज़ है फ्रेंड्स इस टाइम पर, क्योंकि ये हमारे जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं सॉस हमारे पक चुके हैं अच्छे से। फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो हमने मंचूरियन बॉल्स बनाई थी वेजिटेबल्स की, वो मैंने इसमें डाल दिए। फ्रेंड्स ये वेजिटेबल्स और सॉस जब अच्छे से पक जाएं तो ही उसके बाद हमें बॉल्स डालनी है, क्योंकि बॉल्स को हमें क्रंची रखना है इसमें, नहीं पहले डाल देंगे आप तो वो सौगी सौगी हो जाएंगी। फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर नूडल्स नहीं थी, तो मैंने जो वर्मिसिलीज आती हैं उनको फ्राई करके, अगर आपके पास वो ऑलरेडी रोस्ट करी हुई हो तो उनको हल्का सा बॉयल करके डाल दीजिए यहाँ पर। पूरी तरह उनको कुक नहीं करना है, यानी पूरी तरह बॉयल नहीं करना है उनको, 80% बॉयल हो जाए तो आप उन्हें निकाल के ठंडे पानी में छलनी में छान लीजिए। मैंने यहाँ पर लंबी वाली वर्मिसिलीज यूज़ करी है, वाइट वाली, ये देखिए फ्रेंड्स, और वो काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रही थी इसमें, क्योंकि मेरे पास नूडल्स जो हैं मौजूद नहीं थी, इस वजह से मैंने वर्मिसिली यूज़ की है। और फ्रेंड्स ये डिश काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई थी। मैं चाहूँगी कि फ्रेंड्स आप भी एक बार ये वाली डिश बनाकर देखिए। फ्रेंड्स ये ड्राइड मंचूरियन देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, फ्रेंड्स खाने में भी ये उतना ही टेस्टी था। आप मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिए। मैंने तो ये बचे हुए सामान से तैयार किया है फ्रेंड्स, आप इसे अपने घर में जो भी आपके पास सामान है उससे बनाकर देखिए, जो भी सब्जियां आपके पास है बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे चैनल पर मेरी रेसिपीज़ में कुछ भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कमेंट करके वो भी ज़रूर दीजिए। और मेरे कहने पर फ्रेंड्स आप एक बार ये ड्राइड मंचूरियन की रेसिपी ज़रूर बना के देखिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर टेस्ट करवाइए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तो बाय बाय फ्रेंड्स।